पीथमपुर में सामाजिक समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 108 गांव से लोग शामिल हुए। समरसता सम्मेलन का मूल उद्देश्य था कि सामाजिक दूरियां होने के कारण और जातिगत विरोध कम करना, ताकि छोटी जाति बड़ी जाति का उल्लेख खत्म हो और समरसता कायम की जाए। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता मोहन नारायण गिरी, धार विभाग प्रचारक अंकित गजकेश्वर, धार विभाग कार्यवाह हरिराम कपासिया, घटा बिल्लौद नगर संघ चालक दिलीप वर्मा आदि बड़ी संख्या में समरसता सम्मेलन में उपस्थित हुए। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता मोहन नारायण गिरी ने बताया, देश में जातियों में बंटवारे के बजाय हिंदू बनकर रहे, ताकि समरसता का सही अर्थ बता सके। गांव के नाते से मंथन होता था, एक समाज के नाते से मंथन होता था। और मुगल आक्रांता ये अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक इनके मंदिरों के सांस्कृतिक संगठनात्मक केंद्र जिंदा है, तब तक हम पूरी तरह से इनको बदल नहीं सकते, क्योंकि वो तो लूटपाट करने नहीं आते आए थे। उनका सांस्कृतिक आक्रमण था, वो इस्लाम का राज्य यहां पर बनाने के लिए, और इसलिए उनका पहला आक्रमण जो होता था वो मंदिरों पर होता था। राम जी का अयोध्या का मंदिर, कृष्ण जी का जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का मंदिर, गौशाला का मंदिर क्यों तोड़े? इसीलिए तोड़े क्योंकि ये सांस्कृतिक व्यवस्था के हमारे केंद्र थे, भारत की और एकता और अखंडता की गारंटी थी, और इसलिए इन मंदिरों पर उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन उनका आक्रमण संस्कृति पर भी रहा, और संस्कृति पर आक्रमण। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।